उस सारे के सारे कोई ना कोई परिवार का आदमी है, भाई कुछ करता है, बहन कुछ करती है, फैमिली बिजनेस है। ऐसे ही बिजनेसेस है। 250 में से आप मुझे नाम दे दो दलित का, आप नाम दे दो आदिवासी का, आप नाम दे दो पिछड़े का, नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में देखो, हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, सेक्रेटरी कहलाते हैं, 3 दलित है, आबादी 15%, 90 में से 3 पिछड़ों की आबादी कम से कम 50%, 90 में से 3 होने कितने चाहिए, 45 अगर आप आबादी से जाओ, नहीं 3। और बजट कितना संभालते हैं, आदिवासी जिनकी 8% आबादी है 100 रुपए में से 10 पैसा का बजट संभालते हैं, दलित 100 रुपए में से 1 रुपया संभालता है, ओबीसी 100 रुपए में से 5% संभालता है। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। इसलिए हमने कहा है कि जाति जनगणना होगी, नेशनल लेवल पे होगी, और मैंने कहा है मोदी जी के सामने पार्लियामेंट हाउस में, आप करो ना करो, मैं इसको इसी हाउस में पास करवाऊंगा, आपके मुंह के सामने करवाऊंगा। तो ये हरियाणा की रियलिटी है। और ये क्या करते हैं, बांटने का काम करते हैं, मीडिया वाले 24 घंटे लगे रहते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ा दो, एक धन को दूसरे धन से लड़ा दो, और पूरा का पूरा फायदा अदानी को पहुंचा दो। हरियाणा एक साथ लड़ेगा, सबकी सरकार बनेगी, खुशी से बनेगी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है, और हम सबकी सरकार बनाएंगे, किसी एक की सरकार नहीं होगी, पूरे हरियाणा की सरकार होगी। इसमें सबकी इज्जत होगी, सबकी रिस्पेक्ट होगी, सबकी जगह होगी, और मेरी जहां भी आपको जरूरत हो, कहीं भी पार्लियामेंट में आपको कुछ उठवाना हो, कुछ कहलाना हो, आप मुझे बस ऑर्डर दीजिए, राहुल जी हरियाणा आपसे यह कहलवाना चाहता है, मैं कह दूंगा वहां पे जाके। दिल का रिश्ता है, पुराना रिश्ता है, मैं आपसे यहां आके 50 झूठ नहीं बोलने वाला, वो मोदी जी का काम है। आपने 10 साल देख लिए, सुन ली उनकी बात, आमदनी दुगनी कर दूंगा, और फिर काले कानून ले आए, छोटे बिजनेसेस को फायदा पहुंचाऊंगा, नोटबंदी जीएसटी ले आए, उनका काम आप जानते हो। अब सब मिलकर एक साथ हरियाणा को खड़ा होना है, क्योंकि देव जैसे जो बच्चे रो रहे हैं, उनके आंसू पोंछने हैं, उनको खुश करना है, और उनको अपने पिता के पास गले मिलने देना है। धन्यवाद। आप सब इतनी भारी ताकत से हरियाणा में राहुल गांधी का चुनाव प्रचार आज से शुरू हो गया। करनाल के असंध में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर सीधा सीधा निशाना, और खासतौर पर जो किसान, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये अक्सर राहुल गांधी अपने भाषण में इन्हीं वर्गों के इर्द गिर्द केंद्रित रहता है उनका भाषण। हरियाणा विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार करने के लिए आज से राहुल गांधी मैदान में उतरे हैं, और ये बताया जा रहा है कि न्याय यात्रा भी करेंगे 3 दिन तक। बेरोजगारी का मसला उठाया, किसानों का मसला उठाया, और यहाँ जो बार बार वो कहते रहे कि ब्यूरोक्रेसी में दलितों की भागीदारी या पिछड़ों की भागीदारी उनकी आबादी के मुताबिक नहीं है, हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा बयान, सबसे बड़ी बात राहुल गांधी की कि कांग्रेस स्वीप करने जा रही है, कांग्रेस की आंधी आ रही है हरियाणा में और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, ये राहुल गांधी का बड़ा दावा। अपने पहले ही चुनावी जनसभा में उन्होंने ये दावा किया, कांग्रेस की आंधी आने जा रही है, हरियाणा में कांग्रेस स्वीप करने जा रही है। सबसे अहम बात रही इस जनसभा की तस्वीर, एक खास तस्वीर जिसका इंतजार लंबे समय से हो रहा था, कांग्रेस के खेमे में भी
लोग इस तस्वीर का इंतजार कर रहे थे, विपक्षी खेमे में भी इस तस्वीर का इंतजार हो रहा था, जब कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक साथ एक मंच पर नजर आए। चूंकि ये बताया जा रहा था कि कुमारी शैलजा नाराज चल रही हैं टिकट बंटवारे को लेकर, कुछ बयानों को लेकर, तो उसके बाद से राहुल गांधी की आज जनसभा जब होनी थी तो सबका इंतजार था, सबकी नज़रें इस बात पर टिकी थी कि इस मंच पर क्या दोनों नेता एक साथ नजर आएंगे, तो आज दोनों एक साथ मंच पर नजर आए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।